कैसा लगा? क्या पहले विश्वास था कि भी इस बार भी जो है नीरज एशिया में जो है स्वर्ण पदक जीते? देखो अभी विश्वास तो खैर के बाद हो गए हैं, पहला तो सोचा कि जीवन गोल्ड डाउन, लेकिन फिर भी हिम्मत हमारे ही बदलता है। गोल्ड पे गोल्ड जीत रहा है नीरज, तो क्या मानते हैं आप इसके पीछे क्या नीरज की मेहनत है, परिवार का प्यार, देश का प्यार? वो तो देखो जी, सारा भारत बाट देख रहा है भाई किस टाइम मैच होगा, और घर के भी यार और नीरज की मेहनत भी है। आपने मैच लाइव देखा होगा पूरा, बीच में उतार चढ़ाव भी रहे, तो किस तरह से आपको लगा कि इस बार क्या रहने वाला है? आपको बीच में कोई अटकलें नजर आई मैच देखते हुए? देखो जी तब तक तो ठीक चल रहा था, आज बार क्रॉस किए थे आगे तो चलो भाई इसका तो बोल रहे हो। दूसरा खिलाड़ी था जो इंडिया का ही खिलाड़ी था, वो एक बार उन्होंने 87 मीटर तक फेंक दिया था, क्या लग रहा था कि नीरज उसको क्रॉस कर पाएगा? ऐसा धड़कने तेज हुई थी उस वक्त? नहीं जी कुछ नहीं हुई, बच्चे जो खिलाड़ी है कोई कोई तो आगल ही करेगा, वो भी हमारा ही बच्चा था और वो भी था, कोई भी खेल सकता है, कोई भी आगल ही कर सकता है। नीरज से लास्ट टाइम कब बात हुई आपकी? आपसे तो बात करते रहते हैं। बात तो अब तक सारा हो गई, बात तो इसलिए प्रैक्टिस को लगा रहा कर देगा। क्या कुछ बात हुई थी? बस जब तो ठीक ठाक राजी खुशी दिए थे। गेम के बारे में कोई बातचीत हुई थी? जो ऐसे कोई बातचीत नहीं, इतनी बार बात नहीं होती, तो ठीक ठाक। नीरज के पिताजी चाचा जी कह रहे कि अगर किशोर जीतता और अभी भी उनकी बराबर उनको खुशी है किशोर की भी, आप कितनी खुशी मानते हो किशोर? बराबर ही मान रहे जी, इंडिया के हैं, इंडिया में 2 मेडल हो रहा है फालतू, बड़ी खुशी है, इतनी होती है, इतनी होती है। आपके बेटे ने रास्ते खोल दिए इस गेम में, दूसरे बच्चे भी आने लगे हैं, जैसे किया। देखो जी एक लिखड़ जा रास्ता पै जाए, ये इतने एक लिखड़ जा दो लिखड़ गई वाग लिखड़ दे रहा हूँ बच्चे, मैं खूब कर रहे सारी ट्रॉफी जीतनी है, गोल्ड जीतनी है, क्या उम्मीद आगे क्या उम्मीद मिली है आपको? देखो जी मेहनत करो, मैं कर रहा था जितनी मर्जी है बच्चे की, इतनी जीतो ऐसी कोई ट्रॉफी अच्छी नहीं है जिसमें तुम जीती है। मेहनत कर रहे हैं जी बच्चे, इतने आगे देखो और बच्चे लग रहे हैं। करण ओलंपिक को लेकर अब आगे ओलंपिक का सफर है या उससे पहले कुछ शादी शुदी का भी सुनने में, क्योंकि हर बार मेडल जीतता तो शादी की ही बात आती है, शादी कब करोगे? नहीं शादी नहीं करते अभी, उसका खेलने का मन है, इतना खेल रहे। रिश्ते तो वैसे बहुत आ रहे होंगे नीरज के नाम के? रिश्ते तो आ रहे हैं, कल कर लो चाहे लेंदा करके करना रिश्ता का। तो अभी ओलंपिक के बाद ही ये शादी वगैरह का? और भी फिर मानने का दीप की बात है, जो आगमन करेगा खेल लड़का खेल लेगा, ये टाइम दोबारा नहीं आता, शादी तो कभी भी कर ले। आप तो कहते होंगे करने के लिए, वही वही मना करते हैं या वही करता है? हम भी नहीं कहते उसको, इतने दबाव नहीं दे। तो अब नीरज के पास थोड़ा सा टाइम है, क्या वो घर पे आएंगे? क्योंकि इससे संबंधित बात है, देखो जी गेम के बाद बात होगी भी, कब करेगा उसने जब फुर्सत लगेगी आपको आने की, कोई फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। उनका एक पुराना साथी पाकिस्तान का खिलाड़ी वो आज खेल नहीं रहा था मैच में। देखो जी हम तो इस बात न कह नहीं सकते, मैदान में कोई खिलाड़ी जाओगा तो जी पे उतरा चढ़ाव माना जावा है, वो जगह कोई मैदान में नहीं जाओ, इकल्ला थोड़ी खेल सका है, एक सारे बच्चे होंगे और खुशी होंगी। आपकी पिछले बयान की काफी प्रशंसा हो रही है, आपने जो पाकिस्तान के प्लेयर के बारे में बोला था, अगर वो जीतता तो खुशी होती है? नहीं देखो करिया तो बात है जी, माँ बाप अपने की थोड़ी को, बच्चे तो सबके बराबर है, पहले इससे पहले गेड़े में नीरज को चोट लगी थी, सबने दुखा हुआ अपने बच्चे का माँ बाप ने, तो भी खेलता सब ने खुशी होंगी, मतलब खेलना चाहिए, खेल को बढ़ावा मिलना चाहिए, हार जीत से कोई मतलब नहीं, हार जीत तो कोई मतलब नहीं जी, बच्चे खेल लेंगे जी, आगे लिखड़ेंगे तभी हार जीत होगी, खेलेंगे पे तो हार जीत होगी, ये अकेला खिलाड़ी के कर लगा। लगातार अब जीत के बाद बधाई देने वाले को फोन आ रहे होंगे, घर भी आ रहे होंगे लगातार लोग? हाँ फोन तो आ रहे हैं, फोन में छोड़ सुनने का भी समय नहीं मिल रहा, तुम्हारे भी सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, गुड़िया भी जा रही हैं, जाकत भी जा रहे हैं, नीरज का छोटा भाई जा रहा है। जिस तरीके की नीरज जो है उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, ऐसी कोई मेरे हिसाब से कोई उपलब्धियां नहीं है, लगातार गोल्ड मेडल भी जीत रहे हैं, एक दो प्रतियोगिता है जिसमें वो दूसरे नंबर पर रहे हैं, तो अब आगे क्या लक्ष्य है? ओलंपिक के बाद कुछ इस तरीके का सोचा है कि इसके बाद नीरज को ये कर रहे हैं? देखो जी मेहनत तो पूरी कर रहा है, हम तो आगे भी यही उम्मीद है भाई बच्चे खेल रहे हैं, गोल्ड लिया हुआ अपने देश का नाम रोशन। आपके चूरमे की भी काफी चर्चा रहती है, जब भी वो मेडल जीतता है तो चूरमे की बात तो निकल कर आती है,
हर बार वो चूरमा, ऐसा तो नहीं है कि चूरमे में कुछ बात है कि उसका आशीर्वाद भी अलग से उनको मिलता हो। देखो जी, इंडिया का खाना यू है, दूध होया, दही होई, खीर होई, हलवा होया, चूरमा होया, ये खाओ। अभी एक दूसरे देश का मैं पिज्जे बर्गर ये खा लिए, समोसे ये खाए, तो फिर से खेल हम जीत के बाद। नीरज का भी फोन नहीं है? नहीं।